बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। परिवर्तन 2.0 मुलाकात होगी आप सब से 70 प्लस कोर्सेज के साथ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। जय हिंद दोस्तों, यूपीएसआई का फास्ट रिवीजन, यूपी ट्रिपल एससी टीईटी, वीडियो, यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल, ये सभी बैच प्रारंभ हो चुके हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। तो अभी ज्वाइन करें परिवर्तन बैच। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मिलते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के एक और ठीक दोपहर के एक बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से इस क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव बन सके। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आ चुके हैं सभी लोग। चलो बिल्कुल, हाल चाल बढ़िया, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे राजी खुशी हैं, ठीक है। चलो तो सब लोग आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि ये टाइम है थोड़ा कि आपको अपनों का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। रखना पड़ेगा क्या, हम रखते ही हैं, ये कोई ज़बरदस्ती तो होती नहीं। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठंडी चीज़ों का परहेज करना है, थोड़ा गर्म चीज़ों को अडॉप्ट करना है। ये चीज़ें गर्मियों में क्यों बढ़ती हैं, कोरोना गर्मी में क्यों बढ़ता है, क्योंकि गर्मियों में हम कुछ ठंडा खाना स्टार्ट कर देते हैं, गर्मियों में हम गर्म से परहेज कर देते हैं। सर्दियों में ये क्यों नहीं था, क्योंकि सर्दियों में हम सभी लोग गर्म गर्म चीज़ों का सेवन कर रहे थे, तभी तो बोला जाता है भाप लो। भाई कहाँ गर्मी, सर्दियों में कहाँ हमारे घर में एसी या कूलर चलते थे, अब चलने स्टार्ट हुए। तो थोड़ा इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, आप थोड़ा सा अपने आप की केयर करें, घर वालों की केयर करें, काढ़ा वगैरह पिए, तो इस सब चीज़ों से बहुत ही जल्द हम लोग भी निकल जाएंगे। इसराइल की तरह हमारे यहाँ भी मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा, है ना, बट ये चीज़ तभी होगी जब सब एक साथ रहेंगे। चलो तो बिल्कुल गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग तो नहीं है भाई। अच्छा कह रहे मैं मॉर्निंग का नोटिफिकेशन नहीं आता। देखो नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो आप सभी को टाइमिंग पता है ना, टाइमिंग पता है क्लास की किस टाइम पर होती है। मैं बहुत अच्छी हूँ, बाकी आप भी बहुत अच्छे होंगे, तो टाइमिंग पता है अपने टाइम पर, आप लोगों को सभी को आ जाना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हमारे एमएस ऑफिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। सीरीज शुरू हो रही है एमएस एक्सेल के साथ, तो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले परिवर्तन 2.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लॉन्च हो चुका है, ठीक है, इसमें 70 से ज़्यादा कोर्स आपको एक साथ मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ 1499 में, है ना। ऑफर जो है जिसमें आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, कितना, 70 प्लस कोर्स विद पीडीएफ। टीचर की बात करो तो 100 से ज़्यादा टीचर्स होंगे, एक साल की वैधता वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है। और ये जो आपको दिया जा रहा है ऑफर, ये 10 मई तक है, ठीक है, 10 मई तक के लिए ऑफर है। और अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, आप वाया ऑनलाइन भी कर सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9873111552 पर, या आप हमें व्हाट्सएप करके भी क्वेरीज पूछ सकते हैं 8448116245 पर। क्लियर है, चलो वेरी गुड, पढ़ने आ गए हैं सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, पढ़ना है बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा है आप सभी को, बताना एक बार मुझे। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, वर्कशीट इज अ, वर्कशीट क्या होती है, एक वर्कशीट या एक वर्कशीट क्या है, वर्कबुक के संग्रह को वर्कशीट कहा जाता है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, पंक्ति और स्तंभ के संयोजन कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को कहा जाता है, यह प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थैंक यू सो मच। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ ताकि आपको करेक्टली दिख जाए, कमेंट भी हम यहाँ ले आते हैं।
क्लियर? ओके, बताना यहां पर आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन के लिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, मुझे पता था आप में से कुछ बच्चे गड़बड़ी करेंगे, और ये गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी मैं बताती हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रो और कॉलम के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को, संयोजन को क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहा जाता है। आपसे वर्कशीट पूछी है, वर्कबुक नहीं पूछी। अगर मैं बात करती हूँ वर्कबुक की, तो हम बोल सकते हैं, हाँ, वर्कबुक किसे कहा जाता है? तो वर्कबुक कहा जाता है वर्कशीट के, संयोजन को, वर्कबुक वर्कशीट के कलेक्शन को या समूह को कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन यहां क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्कशीट किससे बनती है, तो वर्कशीट के बारे में अगर पूछे तो ये नंबर ऑफ रो और कॉलम से बनती है। किससे बनती है? तो इसमें रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से वर्कशीट या स्प्रेडशीट को बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? क्वेश्चन की भाषा देखते के साथ ही और ऑप्शन देखते के साथ ही टिक बिल्कुल भी मत लगा, ठीक है? अगर टिक लगा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन ही आता है। इजी तो सभी करके आ जाएंगे, क्वेश्चन ही भी ऐसा दिया जा रहा है थोड़ा सा अच्छे लेवल वाला। क्लियर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, पढ़ना है बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए आंसर क्या होगा। बाय डिफॉल्ट वर्कबुक इन एक्सेल कंटेन हाउ मेनी वर्कशीट? डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में कार्य पुस्तिका कितने कार्य पत्रक होते हैं? बाय डिफॉल्ट के बारे में पूछा है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट के बारे में पूछा है, अपने आप से कितने होंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अब कुछ बच्चे यहां पर बोल रहे हैं कि मैम वो तो सेल होता है। अरे भैया, जो सेल होता है ना वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सेल जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रो कॉलम का, जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं और जो ये बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। इस बॉक्स को कहते हैं सेल। क्लियर? बट ये सेल की बात नहीं कर रहा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ना पूछकर क्या पूछ रहा है आप लोगों से? ये पूछ रहा है आप लोगों से कॉम्बिनेशन के बारे में, तो वो वर्कशीट होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप, अपने आप से। और अपने आप की बात करते हैं तो हम यहां पर हमें आंसर कम से कम देना पड़ता है। वर्कबुक में कम से कम कितनी शीट होती हैं, और इसी को बाय डिफॉल्ट कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट तो वर्कबुक बनता है वर्कशीट के कलेक्शन से, और तीन वर्कशीट को मिलाकर मैं एक वर्कबुक बना सकती हूँ, ठीक है? लेकिन यहीं पर अगर आपसे मैक्सिमम बोले, भाई कम से कम तो हम तीन वर्कशीट लेते हैं, अगर आपसे बोला जाए ज्यादा से ज्यादा कितना लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितनी वर्कशीट इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? मैक्सिमम 255 शीट, कई बार 256 दिख जाएगा, बट मेनली आंसर 255 ही रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, पढ़ना है बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सारे सही हो रहे हैं, सारे अभी तो दो ही कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन है, चलो 25 में से जिसके 25 सही हो जाएंगे, 25 में से जिसके 25 सही हो जाएंगे, उसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पूरा कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया। अभी जो 3-4 दिन मेहनत करी ना लग के, बहुत अच्छे से करी। चलिए, आई थैंक यू सो मच। चलो, क्लियर है? बिल्कुल भाई, ढूंढने से भगवान मिलते हैं, ढूंढने से सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में आंसर पढ़ जाऊंगी, ठीक है? द सिंपलेस्ट वे टू मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन एक्सेल। अगर एक एक्सेल के अंदर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप डेटा को ले जाना चाहते हैं, तो उसका सबसे सरल तरीका क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार, पर जाकर, मैंने बताया क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। कट एंड पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब, जैसे कोई चीज यहां पर है तो मैं इसको घसीट कर माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर, दबाए रखकर घसीट कर किसी भी स्क्रीन पर ले जा सकती हूँ ना, तो बस यही बात होती है।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए? तो आंसर आने लग गया है डी होगा। चलिए वेरी गुड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक डाटा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है तो हम दोनों चीज कर सकते हैं, हम कट एंड पेस्ट का ऑप्शन भी उठा सकते हैं और वो जो भी आइकन है या लिखावट है या जो भी पिक्चर है उसको एक जगह से पकड़ के ढर दूसरी जगह लाकर भी रख सकते हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? यहाँ पर मैं बात करती हूँ क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। तो क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार? जब भी हम एमएस ऑफिस में कोई भी विंडो ओपन करते हैं, सपोज मैंने एमएस ऑफिस में कौन सी विंडो ओपन करी, मैंने ओपन करी एमएस एक्सेल। सबसे ऊपर वाले बार को बोला जाता है टाइटल बार, उसके बाद आता है रिबन जहां पर मेन्यू बार लिखे होते हैं, सबसे ऊपर टाइटल बार। टाइटल बार के सबसे साइड में देखोगे तो यहाँ पर ऑफिस बटन होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है ऑफिस बटन। और ऑफिस बटन के जस्ट राइट साइड यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में भूलना नहीं है, इसके अंदर रीडू और अंडू के ऑप्शन होते हैं, रीडू और अंडू, बाकी जो आप चाहो उसको इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? आगे चलें। ओके जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ना है बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? द ऑटोफिल कैन अप्लाई फ्रॉम, ऑटोफिल से आवेदन कर सकते हैं। ऑटोफिल अप्लाई कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट, अपने आप कोई भी चीज फिल कर दोगे, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल क्विक एक्सेस टूल बार याद रखना है, सेव सेव एज एडिट, वेरी गुड भाई, क्या बात है, सारी चीजें याद है, बहुत अच्छी। चलिए बताना है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर फोर के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर करना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन डी, कहीं से भी आप ऑटोफिल का ऑप्शन ले सकते हो, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑटोफिल कहीं से भी ले सकते हो, इसकी कोई डायरेक्शन निर्धारित नहीं होती, कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, आप ऑटोफिल कहीं से भी कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन के सामने, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या पूछा है आपसे? पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है, पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज किस तरीके का होता है, पेज किस तरीके का होता है। देखो एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या होता है? ऐसा होता है जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है, ये होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है? ऐसा होता है जिसकी लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोर्ट्रेट, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर फाइव कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, पोर्ट्रेट मोड होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट मोड होता है। बाय डिफॉल्ट की मैं बात करती हूँ तो एमएस एक्सेल का जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट मोड का होता है, यहाँ पर पोर्ट्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट करना। क्लियर है? एक और चीज नोट करना, यहीं पर एक और चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखवा दूँ, कहीं पर भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहीं पर साइड में लिख लेना। जो आपका एमएस वर्ड होता है और जो आपका एमएस एक्सेल होता है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, इन दोनों के पेज पोर्ट्रेट मोड के होते हैं, इन दोनों के पेज बाय डिफॉल्ट अपने आप से पोर्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एमएस पावर पॉइंट की, तो एमएस पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? वो बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, पढ़ना है बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगता है? सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता भी चल रहा होगा, है ना। चले आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ, एक बजे वाली क्लास चल रही है दोपहर की, वर्ड रैपिंग का मतलब क्या होता है? वर्ड रैपिंग मीन्स क्या होगा?
टेक्स्ट स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, कई लाइनों में वितरित हो जाते हैं। एक सेल के भीतर पाठ को लंबवत प्रदर्शित करना, टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल लाइन या डिस्प्ले टेक्स्ट वर्टिकल विद इन अ सेल, एक अलग फॉन्ट शैली में चयनित पाठ को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही बात है भाई, आज सभी ने बादाम अखरोट दूध सब खा लिया है, पी लिया है, बहुत अच्छी बात है। सभी का आंसर मोस्टली सही आ रहा है, इसका मतलब ये 3 या 4 दिन जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी एमएस ऑफिस वाली बहुत सही लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहां पर क्या होगा, आंसर बताना है सभी को, और आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। द टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल लाइन, बहुत सारी लाइनों में लिखा गया पाठ, कई लाइनों में वितरित पाठ, ये रैप कहलाता है। रैप मतलब वो रैप नहीं, रैप का मतलब यहां पर होता है वर्ड रैपिंग। जब हम एमएस वर्ड में कोई भी चीज एक डॉक्यूमेंट या पेज के अंदर लिखते हैं, आप जब एक लाइन कंप्लीट कर देते हो तो दूसरी लाइन अपने आप आ जाती है, आप एंटर तो नहीं दबाते, आप तो एंटर नहीं दबाते, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन अपने आप आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी आ जाती है। तो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में टेक्स्ट को लिखना ही क्या कहलाती है, वर्ड रैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड रैप कहलाती है। क्लियर, आगे चलें। बिल्कुल बी आंसर इसका सही था, जिन्होंने भी बी दिया था आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर गलत हुआ ना आंसर तो देखो क्यों गलत हुआ, ठीक है, आगे चलें। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट में बताऊंगी किसके आंसर सबसे ज्यादा सही हुए। बैंकिंग वाले स्टूडेंट आंसर ज्यादा सही दे रहे हैं, दिख रहा है ना, या फिर राजस्थली वाले स्टूडेंट ज्यादा सही दे रहे हैं, या एग्जामपुर वाले स्टूडेंट ज्यादा सही दे रहे हैं, दोनों मिला के ऑनलाइन ऑफलाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अ टर्म दैट इज यूज इन स्प्रेडशीट विच फोर्सेज अ लाइन ब्रेक इन अ सेल व्हेन इन द सेल एंट्री इज टू लार्ज टू फिट इन द सेल। एक शब्द जो स्प्रेडशीट में उपयोग किया जाता है जो सेल में एक लाइन ब्रेक को मजबूर करता है जब सेल में फिट होने के लिए एक सेल प्रविष्ट बहुत बड़ी होती है। आप सेल में कुछ लिख रहे हो, वो सेल के बाहर चली गई, तो फिर सेल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, रैप, लाइन ब्रेक, सेल ब्रेक या मल्टी लाइन सेल। होता है ना ऐसा, जब हम स्प्रेडशीट के एक्सेल में कुछ लिखते हैं और जो सेल है वो छोटा है और लिख रहे हो आप बड़ी चीज, तो वो उसको काट के चला जाता है, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या बोल रहा है, मल्टी लाइन में उसको कन्वर्ट कर देता है, सेल को या लाइन को ब्रेक कर देता है ताकि उस टेक्स्ट को नीचे लिखा जा सके, तो उसको भी रैप कहा जाता है, उसको भी रैप कहा जाता है। कहने का मतलब है, चाहे आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे, चाहे आप किसी दस्तावेज पर लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट पर लिख रहे हो, वो भी रैप है एक लाइन के बाद एक लाइन, चाहे आप किसी सेल में लिख रहे हो और अपने आप वो दूसरे में आकर फिट हो रहा है, तो वो भी आपका रैप कहलाता है। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, रैप ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें। नहीं, लाइन ब्रेक होता है आपका एमएस वर्ड के अंदर, जो लाइन ब्रेक होता है और जो कौन सा होता है, पेज ब्रेक होता है, ये दोनों चीजें एमएस वर्ड के अंदर होती है। क्लियर, तो इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, लिख लेना, लाइन ब्रेक या फिर पैराग्राफ के लिए, लाइन ब्रेक या फिर पैराग्राफ को बनाने के लिए, इसको नोट करना, लाइन ब्रेक या फिर पैराग्राफ को बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस, क्या होती है शॉर्टकट की, शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ एंटर। और अगर मैं बात करती हूँ पेज ब्रेक के लिए, एक पेज में काम हो चुका है फिर दूसरा पेज लेना है, तो पेज को ब्रेक करने के लिए छोड़कर दूसरा लेने के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। शॉर्टकट की तो बहुत अच्छे से घोल के पी लेनी है, उसको हजम कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है, आगे चलें। अरे कॉपी पेस्ट मत करो भाई अपने कमेंट का, चलो आगे देखें, यहां पर बिल्कुल सही है। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा।
द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ सेल इज, और इसी के साथ एक और चीज बता देना मुझे, ये तो आप बताओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे ही बताओ, एमएस एक्सेल में जो हम नंबर लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं वो किधर की साइड आता है, लेफ्ट या राइट, बताना मुझे, लेफ्ट आता है या राइट आता है? और जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, नाम वगैरह लिखते हैं, वो किधर की साइड आता है, लेफ्ट या राइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैंने बताया भी था जब मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो बाय डिफॉल्ट बताओ, इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अलग से पूछा वो भी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, यहां पर बताना है आपको। चलो देखो, अगर मैं बात करती हूं यहां पर बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट की, तो वो लेफ्ट होता है, बिल्कुल बाई तरफ होता है, किधर की साइड, अपने आप बाई तरफ शिफ्ट करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप कोई नंबर डाल रहे हो 1 2 3 4, तो नंबर राइट साइड आता है, और अगर आप कोई नाम डाल रहे हो ABCD प्रीति एग्जाम्पोर, कुछ भी नाम डाल रहे हो, परिवर्तन 2.0, ठीक है, तो ये कहां पर आता है, ये आपका लेफ्ट साइड आता है, कहां पर आता है, लेफ्ट साइड आता है। क्लियर, आगे चलें, दोनों चीज क्लियर है, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं, और भी चीजों को देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम चलो हमने नंबर डाला तो राइट आ गया, और टेक्स्ट कुछ लिखा तो लेफ्ट आ गया, लेकिन अगर हम नंबर और टेक्स्ट दोनों मिलाकर डालेंगे तो क्या होगा? अगर हम नंबर और टेक्स्ट दोनों मिलाकर डालेंगे, भी डाल सकते ना, किसी का एड्रेस डालना है, घर का एड्रेस डालना है, किसी के घर के एड्रेस को डालोगे तो उसमें आपका एड्रेस भी आएगा, कौन सी कॉलोनी है, हाउस नंबर भी आएगा, तो अंक भी आएंगे। जब नंबर और टेक्स्ट दोनों को आप मिलाकर लिखते हो तो भी वो लेफ्ट साइड आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिख लेना अच्छे से, क्लियर है, आगे चलें। ओके जी, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 8 हो गया है आपका, बहुत अच्छे से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, अब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग अकर व्हेन, पूर्ण सेल संदर्भ कब होता है? हमें लगता है कि हमारा सेल पूरा सल्यूट हो चुका है, पूरा पूर्ण हो चुका है, तो ये स्थिति कब आती है, क्लियर, ये बताना है आपको। आंसर वो ऑप्शन देखेंगे, फॉर्मूला इज ड्रैग्ड बट द सेल रेफरेंस डू नॉट एडजस्ट, वही सूत्र, फॉर्मूले को तो लिखा जाता है लेकिन सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। स्प्रेडशीट इज सेव्ड विद एब्सोल्यूट एज फाइल नेम, स्प्रेडशीट को अगर आप एब्सोल्यूट फाइल नेम दे दोगे तब होगा। फॉर्मूला इज ड्रैग्ड इन सेल रेफरेंस एडजस्ट ऑटोमेटिकली, आपने कोई भी फॉर्मूला लिखा और उसको जो सेल होता है वो अपने आप ले लेता है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है कोई भी फॉर्मूला। या ये वाला जो सिंबल होता है आपका डॉलर वाला सिंबल इज ऑटोमेटिकली एडेड विद ईच सेल वैल्यू, ये जो सिंबल है ये हर एक सेल वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है, तो उसको एब्सोल्यूट सेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखो, ऑब्सोलीट जो सेल होती है वो किसको कहा जाता है, फॉर्मूला इज ड्रैग बट द सेल रेफरेंस डू नॉट एडजस्ट, फॉर्मूला तो आपने ड्रैग कर दिया, उसको लिख दिया, उसको खींच दिया उसको, लेकिन जो सेल होता है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको ही क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट सेल बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जहां नोट्स बनाए होंगे आपने वहां पर इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, क्लियर है, ड्रैगिंग का मतलब यही तो होता है। अच्छा आर्मी लवर जी, अभी पहले ये कर ली उसके बाद बताती हूँ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताऊंगी जैसे मैं बनाकर पीती हूँ, पर पहले अभी ये पढ़ लेते हैं, आगे चले, चलो बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी की बातें मत करो, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो है तो रीजनिंग का क्वेश्चन, पर पूछे गए हैं क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर वाले, बताना जरा क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, फाइंड आउट द ऑड वन, इनमें से कौन सा अलग है, बताओ, एब्सोल्यूट रिलेटिव मिक्स्ड या ऑटोफिल, इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है, फाइंड आउट ऑड वन आउट, जो भी आपको अलग दिख रहा है इन चारों में से उसको अलग छांट दो,
क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा बताइए। चलिए तो आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, डी होगा बिल्कुल सही है। अरे और कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑटो फिल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे सेल रेफरेंस है, एक एब्सोल्यूट भी सेल होती है, मैंने आपको बताया, और जो रिलेटिव होती है वो भी सेल होती है। जैसे सेल वन की मैंने डेटा सेल थ्री में लिख दिया, मिक्स्ड सेल भी होती है जिसमें दोनों चीजें आती हैं। तो ये तीनों की तीनों मेरी सेल रेफरेंस के अंदर आती है, ये तीनों चीजें मेरी सेल रेफरेंस के अंदर आती है। बल्कि ऑटोफिल कोई सेल का प्रकार नहीं है, वो कि सिर्फ डेटा को फिल करने के लिए, डेटा में चीजों को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई सेल का रेफरेंस या प्रकार नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे यहां पर, सेल एड्रेस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे यहां पर क्या दिया गया है, सेल एड्रेस $B$5 इज अ फॉर्मूला मींस, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? नोट कर रहे हो ना, जहां पर चीजें नोट करी है वहां पर भी ये सारी चीजें लिखते हुए चलना है एक साथ। अरे बहुत कुछ सहन कर लिया, ये कौन बोल रहा है? क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है, ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, लड़कियां तो वैसे ही बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है, तो कोई चीज में ऐसे रोना पछताना नहीं चाहिए। अब जो चीज हो गई वो चीज हो गई, अब आगे की चीजें सोचो, और अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो इसके लिए भी फिर एक टाइम पे पछताना पड़ता है। ये वाला फॉर्मूला इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डोरेमोन जी, ये सारे लेवल की है, एनसीईआरटी की है। सबसे पहली बात तो ये किसी लेवल की नहीं है, एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी जिसने पढ़ ली वो सारे पेपर को अच्छे से कर जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल याद रखना। ये जो डॉलर वाले साइन लगते हैं ना, ये किसके अंदर होते हैं? ये रिलेटिव रेफरेंस के अंदर होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर लिखना है जो डॉलर वाले साइन होते हैं, डॉलर वाले में जो पहले लिखा होता है वो कॉलम का नाम होता है। किसका नाम होता है? ये कॉलम का नाम होता है, ये ए बी सी डी कॉलम को दर्शाते हैं। और बाद में जो लिखा होता है ये किसका नाम होता है? ये नंबर, अंक होता है, जिसको हम बोलते हैं ये रो का नाम होता है। तो ये आपके एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्ण संदर्भ दिखाते हैं, पूर्ण संदर्भ मतलब सेल के बारे में और रो के बारे में दिखाएंगे। भाई ये तरीका होता है ना, देखो मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये सेल B5 है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये सेल B5 है। अंतर क्या हो जाएगा? ये वाला डेटा आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में बताएगा कि जो सेल है इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के द्वारा दर्शाया गया है। और हमेशा याद रखना, पहले कॉलम का नाम आता है और बाद में रो का नाम आता है, और इन दोनों के नामों को मिलाकर सेल को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वाइल एंटरिंग अ फॉर्मूला सेल एड्रेस बी, ओके ये आया बहुत प्यारा, ये देखो बी दिया है, डॉलर दिया है, फाइव दिया है, ये बताओ ये एड्रेस, सेल का एड्रेस कौन से रेफरेंस को दर्शाता है? एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, रिलेटिव या ऑल ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट सेल के अंदर आएगा। एसएससी कितने क्वेश्चन पूछती है कंप्यूटर के? तो एसएससी जीके में, अपने जीके वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन तो देती है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा डेफिनेटली, हो सकता है दो भी मिल जाए। तो एसएससी अपने जीके वाले पोर्शन में जिसमें आपके आते हैं केवल 25 क्वेश्चन, उसमें से तो एक से दो तीन इतने पूछेगी। लेकिन अगर जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जीके वाले पोर्शन में, उसमें पूछ लेती है आपसे 4 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी और एग्जाम में तो ये अपनी अपनी वैल्यूज लेकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए तो बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्यूट कौन सा होता है? जिसमें दोनों डॉलर के साइन होते हैं, जिसमें केवल और केवल रो के सामने इस डॉलर का साइन दिया हो,
वो मिक्स्ड या मिश्रित रेफरेंस कहलाता है, वो मिक्स्ड या मिश्रित रेफरेंस कहलाता है। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ओके जी, चलो आगे देखते हैं, नोट करते रहना, इसलिए बता रही हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी करवाने का ये फायदा होता है, बहुत से पॉइंट आपको यहाँ से भी नहीं मिलते हैं, तो जो नई चीजें मिल रही हैं अगर आप उसको नोट नहीं करोगे तो फिर ये कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगी, इसको लिख जरूर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया हुआ है? अ सेल रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, कोई सेल की रेंज है जो पहली रो से शुरू हुई है, पहले कॉलम से शुरू हुई है और चौथी रो और पांचवें कॉलम पर खत्म हुई है। ओके, आपको बताना है वो सेल की रेफरेंस इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा प्रदर्शित की गई है। ठीक है, आंसर बताना है जल्दी से, यहां पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप क्लास डेली ले रहे हो, एनसीईआरटी डेली ले रहे हो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी आपके इजीली हो रहे होंगे। ठीक है, चलो, और जो क्वेश्चन नए मिल रहे हैं उनको जरूर लिख लेना। ऑप्शन ए आना स्टार्ट हो चुका है, ऑप्शन बी आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो, क्या पूछा है यहाँ पर? पूछा है पहली रो, रो हो जाएगी पहली, कॉलम पहला हो जाएगा ए, मतलब ए वन से लेकर, भाई पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, ए वन से लेकर चौथी हो जाएगी रो, पांचवी हो जाएगी कॉलम, पांचवी कॉलम ई को दर्शाती है, तो ये कहलाएगी मेरी पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं ई फोर। तो ए वन से लेकर ई फोर तक सेल के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पर ए वन से ई फोर कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली गिनती आती है आप लोगों को, ये वाली गिनती आती है आप लोगों को कि ये कौन सा नंबर होता है, इसे क्या कहते हैं? ये तो 3 होता है, ये तो 6 होता है, बट इतनी ज्यादा भयंकर हिंदी नहीं देगा एग्जाम में, वो नॉर्मली ये लिखेगा, ये तो ट्रांसलेट करने में टिपिकल आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 14 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या दिया हुआ है। अ सेल रेंज ऑलवेज हैज द सिंबल बिटवीन द सेल रेफरेंस, एक सेल रेंज में सेल संदर्भों के बीच हमेशा प्रतीक होता है, क्या प्रतीक होता है? सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कॉमा या कॉलन। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोनिका साहू जी, क्या हुआ भाई? यस मैम, आते हैं, अच्छा आते हैं, अच्छा वो बता रहे हो हिंदी में काउंटिंग, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, यहां पर क्या होगा? बात ही नहीं, कमेंट ल्यूसेंट वाले चल रहे थे, वो किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहिए ना। देखो एनसीईआरटी क्या होती है? एनसीईआरटी एक ऐसी बुक होती है जिसमें पूरे तथ्य को जांच कर आप पर भेजा जाता है। नॉर्मली बुक हम छाप लेते हैं, भाई पीएचडी कर लो आप, बुक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट के द्वारा एफिलेटेड होती है, सरकार के द्वारा, समझ रहे हो, सरकार उसको एफिलेट करती है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारी चीज़ों को लिखेगी, पढ़ेगी, जाँच करेगी, तब उसको निकालती है, नहीं तो पब्लिक उठा देगी उंगली, भैया ये कैसे कर दिया आप लोगों ने। तो फॉरेन के राइटर्स होते हैं उनकी भी कुछ चीज़ों को देखा जाता है, इंडियंस की भी चीज़ों को देखा जाता है, तब जाके एनसीईआरटी बनती है, क्रॉस चेक होती है। तो जो चीज़ एनसीईआरटी में ठीक होती है वो 100% ठीक होती है। ठीक है, 100% के 99.9% 100 तो बोल ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सेल की रेंज हमेशा कॉलन से दर्शाई जाती है। सेल की रेंज, अभी हमने क्या क्या किया, A1 से लेकर E4 तक सेल, ये जो सेल की रेंज होती है ना, कहां से लेकर कहां तक, कहां से लेकर कहां तक, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को रेंज बोला जाता है। कहां से लेकर कहां तक, इसी को सेल की रेंज बोला जाता है। क्लियर? और इसको कॉलन से दर्शाते हैं, किससे? कॉलन से दर्शाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह आया अब क्वेश्चन आपका किसका, ये क्वेश्चन अब आपका आया यहां पर बहुत ही अच्छा, न्यूमेरिकल, इसको बताओ।
और इसको बताने से पहले एक प्यारा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए जो बच्चे अब आए हैं, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बोला ही था। तो अनाउंसमेंट क्या होगा, अनाउंसमेंट ये है कि जो आपका परिवर्तन 2.0 आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया गया था, जिसमें 70 से भी ज्यादा कोर्सेज, 100 से भी ज्यादा फैकल्टी, एक साल की वैलिडिटी के साथ आपके लिए निकाला गया है। इस कोर्स की जो मतलब ऑफर है, ऑफर टाइम पीरियड है 1499 वाला, वो 10 मई तक है। तो 10 मई तक आप लोग ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, और 10 मई को भी कर सकते हैं, बट उसके बाद कल होना हो, ठीक है। चलो, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा और आपके जानने में उनको भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, A1 से लेकर A5 तक कंटेन क्या है, नंबर 20, 16, 5, 35, 7, देन एवरेज। तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, दे रखा है A1 से लेकर A5 और 50। आंसर बताना है इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आंसर करके बताना है जल्दी से। आप देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं हम क्या करते हो आप लोग, आंसर जल्दी से फटाफट से। आंसर बताने इसको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आंसर आना शुरू हो चुका है, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। आंसर 27.167 आना शुरू हो चुका है, ओके। चलो करें शुरू, करें शुरू इस क्वेश्चन को करना, कैसे करोगे इसे सॉल्व, ठीक है। चलो देखो यहां पर एवरेज निकालनी है, एवरेज किसको कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है जितनी वैल्यू है अपॉन उसको क्या कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर दे रखे होते हैं। तो यहां पर जितने भी नंबर दे रखे हैं पहले इनको जोड़ दो, 20 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 7, यहां तक तो मेरा एवरेज यहां पर आना चाहिए था 5 पर, यहां तक तो मेरा एवरेज 5 पर आना चाहिए था, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें यहां पर 50 भी तो दे दिया इसने, यहां पर 50 भी तो दे दिया, तो पहले इसको सॉल्व करके निकाल लो कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 7 42, 42, ठीक है 42 ये हो गया। 5 इसको करोगे आ जाएगा 21 और 20 ये हो गया, ये टोटल बनेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 83 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 83 अपॉन 5 हो जाएगा। जब आप इसको निकालोगे तो उसका एवरेज निकालेंगे हम 50 के साथ, क्या करेंगे जब आप इसको निकालोगे, एक मिनट रुकना, ओके आगे कमेंट। जब आप इसको निकालोगे तो इसका एवरेज किसके साथ निकालेंगे हम, 50 के साथ निकालेंगे, तो बताओ कितना आएगा। इसका एवरेज 50 के साथ निकाला जाएगा तो बताना है आपको यहां पर कितना आएगा। चलो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, फिर यहां पर 83 आपने लिख दिया है तो डायरेक्ट आप इसको यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो, 83 इन सबको जोड़ने पर 83 आ गया। अब इस 83 पे मैं अगर 50 को भी जोड़ दूं और अपॉन फिर 6 कर दूंगी क्योंकि 6 नंबर हो जाएंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरा 3, 8 और 5 हो जाएगा ये 13, और अपॉन 6 करोगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। काट सकते हो आप इसको यहां पर तो काट देना डायरेक्टली, ठीक है डायरेक्टली काट सकते हो तो यहां पर आप डायरेक्टली इसको काट देना, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, क्लियर। चलो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है आंसर, इसको जब काटेंगे तो देखो इसको काट के देखो, 6 दुनी आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा, ओके फिर 1 और 3 बचा, फिर 6 दुनी आ जाएगा 12, फिर पॉइंट लगा देंगे 1 बचेगा, फिर आपका यहां पर आ जाएगा 10, 10 फिर 6 कम 6 आएगा, ठीक है 10 में से 6 जाएगा 4 बटेगा 40, फिर यहां पर लिखेंगे कितना, तो यहां पर 2216 करके आंसर आएगा, तो 22.16 मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्या हुआ, अच्छा 50 नहीं देखा था, जल्दी आंसर निकाल दिया था, नहीं गड़बड़ नहीं करनी, अभी तो क्वेश्चन आएंगे सारे,
क्या हो जाएगा इसका आंसर? 22.167 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी वाले कहां गए, किसने किया था डी? ठीक है, देखो अब ये चीज करेक्ट है, समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा से समझो। इसके दो तरीके बता दिए मैंने, चलो इसका एक ही तरीका बहुत अच्छे से समझ लो। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको फॉर्मूला दिया गया है एवरेज, यहां पर फॉर्मूला दिया गया है एवरेज A1 से लेकर A5 और कॉमा 50 दिया गया है, यही तो दिया गया है हमें। चलो देखते हैं एवरेज निकालना है इन सबका। पहले इन सबका एवरेज लिख लो भाई, इन सबके नंबर को मैं जोड़ सकती हूँ या डायरेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर है, यहां से लेकर यहां तक 20, 16, 5, 35, 3 और ये 50 भी तो है, इसको यहां पर भी जोड़ दो। अब इन सबका एवरेज निकाल लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल है 6 नंबर, इनको जोड़ेंगे तो 133 आएगा, इसको काटोगे तो 22.167 अभी निकाल के देखा था आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है, क्लियर? अभी आएंगे ऐसे और भी क्वेश्चन, उसको करके बताना। फिर आगे चलें, साइबर लॉ की क्लास कब होगी मैम? नहीं अमित राठौड़ जी, 1 बजे वाली क्लास बंद नहीं होगी, तो रेगुलर चलेगी आपकी, फिक्र मत करो। चलो क्लियर है ना सारी चीजें, साइबर लॉ होगी, पहले ये कर ली, इसके बाद करते हैं अभी तो हमारी वो भी रह रही है इंटरनेट नेटवर्किंग, वो भी सारी चीजें करनी है। इस वाले क्वेश्चन को करके बताना जरा, इस वाले क्वेश्चन में कुछ चीजें लिखनी है, वो भी लिखवाती हूँ, पहले इसका आंसर बताओ एक बार, देखते हैं कितने बच्चों को पता है, उसके बाद कुछ चीजें वो नोट कर लेना। काउंट ए 4, 78 फॉल्स 18, इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो खा के बैठो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच आशीष जी। ज्योत्सना मैम की क्लास बिल्कुल, बैंकिंग वाली पे बात कर रहे हो तो उनपे होगी क्लास। चलो बताना है आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर करना है सभी को, कोई बात नहीं, टाइम हो गया खाने का तो खाना लेके बैठा करो। 16 में देखो क्या होती है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर नोट करनी है, हालांकि आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का 3 और कुछ का 4 भी आ रहा है। चलिए तो आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है, 3, 3, 3 और 4, 4, 4 भी आंसर आना स्टार्ट हो गया। अब देखो क्या चीजें होती है, ये दो फंक्शन होते हैं, एक होता है काउंट, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए, इसको ऐसे लिखना, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए, ये दोनों चीज लिखना, डिफरेंस पूछा जाता है। क्लियर? अभी होता क्या, काउंट केवल 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 नंबर वाले, या लिख लो यहां पर केवल जो डिजिट होती है आपकी, ठीक है यहां पर लिखना केवल आंकड़ों को, केवल आंकड़ों को, केवल आंकड़ों को गिनता है, जिन जिन कॉलम में जिन जिन सेल में नंबर लिखे हुए हैं केवल नंबर को गिनता है, केवल नंबर को गिनता है, बाकी और किसी को नहीं गिनता, ठीक है। जो काउंट होता है ये नंबर और जिन सेल में अक्षर लिखे हैं दोनों को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या करता है ये दोनों को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों को गिनता है, सेल को भी गिनेगा, अक्षर को भी और नंबर को भी। अब आप सोचोगे कि मैम ये कैसे हो रहा है, समझ में तो हमें नहीं आ रहा, तो यहां पर देखो, यहां पर मैं एक छोटी सी टेबल बनाती हूँ, छोटी सी टेबल, यहां पे मैं नाम लिख देती हूँ बच्चों के A, B, C, D, यहां पे मैं रोल नंबर लिख देती हूँ 1, 2, 3, 4, यहां पे मैं क्या लिख देती हूँ, यहां पर मैं उनके सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं वो लिख देती हूँ, भाई 20 आए हैं, 25 आए हैं, 20 आए हैं, 30 आए हैं, 30 नंबर का पेपर था, यहां पे मैं उनका एड्रेस लिख देती हूँ, ठीक है, एड्रेस नॉर्मल लिख देती हूँ, मैं कोई नंबर नहीं लिख रही, एड्रेस में नंबर भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं लिख देती हूँ ये रहता है लक्ष्मी नगर में, ये रहता है उत्तम नगर में, ये रहता है बुरारी में और ये रहता है जीटीबी नगर में, या बोल सकते हैं मुखर्जी नगर में। क्लियर है? अब अगर आप यहां पर काउंट लगाते हो केवल काउंट, तो ये क्या करेगा, केवल जितने लाइन में नंबर है संख्या है उनको गिनेगा, 1, 2 यहां पर लिख देगा 2। लेकिन अगर आप यहां पर काउंट ए लगाओगे तो ये नंबर को भी गिनेगा और संख्या को भी गिनेगा, टोटल कितनी चीजें फिल है, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर लिख देगा 4, समझ रहे हो? तो काउंट केवल संख्या को गिनता है और काउंट ए संख्या और अक्षर दोनों को गिनता है। अब यहां पर देखो लिखा है काउंट ए, टोटल कितनी सेल भरी है, चाहे वो नंबर की हो चाहे वो
शब्दों की हूँ, 1 2 3 4 टोटल 4 सेल भरी हुई हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्लियर, आगे चलिए। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो ये सारे बच्चे यहीं पर हैं। अच्छा, वो मुखर्जी नगर में तो बाय डिफॉल्ट हो गया भाई 30। कोई बात नहीं, 30 नंबर कोई भी ला सकता है, जरूरी नहीं मुखर्जी नगर में रहे, कहीं पे भी रह के आप तैयारी कर रहे हो आ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है इसको पढ़ो जरा, इसका आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, बताना है इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप सेल में क्या टाइप करते हो, आप सेल में लिखते हो इक्वल टू 2 × (6 − 4), तो इसका आंसर क्या आएगा। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताना क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आंसर करके बताना है। चलो थैंक यू सो मच, बाकी आप बहुत अच्छे से पढ़ो, क्लियर हो चुका है टॉपिक, बहुत अच्छी बात है। कैसी कैसी बातें करते हो, खुल के तो हंसना ही चाहिए सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो कैसे, कौन सा रूल था, बोर्ड मास जो हम करते हैं नॉर्मली, और इसके अंदर भी वही आएगा। क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2। अब ये 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 4। 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। क्लियर है, आगे चलिए, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 आपको, यू कैन प्लेस द चार्ट लेजेंड इन द चार्ट एट। अब ये चार्ट वाले क्वेश्चन है, आप चार्ट पर किस साइड चीजों को लिखते हो, ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, बताती हूँ अभी आपको, पहले आंसर करो। हम चार्ट के लेजेंड को चार्ट के किस साइड लिखते हैं, बॉटम, कॉर्नर, टॉप राइट एंड लेफ्ट, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं, या और सभी, अच्छा कहीं पे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साइबर लॉ की भी क्लास चलेगी संधु जी, बिल्कुल चलेगी, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, पहले इंटरनेट कंप्लीट करवाऊंगी उसके बाद। चलिए आगे, देखो यहां पर अगर मैं बात करती हूं चार्ट लेजेंड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई चार्ट बनाया एमएस एक्सेल पर, क्लियर, कोई भी पाई चार्ट ले लो, अब आपने पाई चार्ट बनाया, अब यहां पर आप दिखाना चाह रहे हो कि जहां पर ये वाली लाइन है इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश सब्जेक्ट से दर्शाया जाता है, जहां पर डॉट डॉट है इसको हिंदी से दर्शाया जाता है, जहां पर खाली पड़ा हुआ है उसको मैथ से दर्शाया जाता है, आपने कुछ चार्ट बनाया, तो जो ये चीजें हम लिखते हैं ना इसी को चार्ट लेजेंड बोला जाता है। हालांकि यहां पर ऑल ऑफ द अबव दे दिया तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अदरवाइज आपको ऑप्शन डी नहीं दे रखा होता तो आपका आंसर आता टॉप ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर राइट साइड में हम अपने चार्ट के लेजेंड को लिखते हैं कि कौन सा नंबर या कौन सी चित्र किसको दर्शा रहा है, यही चार्ट लेजेंड कहलाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। आगे चले, चलो आगे चलते नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है यहाँ पर, इन एक्सेल चार्ट टेक्स्ट डिस्प्लेड एट डेटा पॉइंट्स टू इंडिकेट द स्पेसिफिक कैटेगरीज कॉल्ड। एक्सेल चार्ट में विशिष्ट श्रेणी को इंगित करने के लिए डेटा बिंदुओं पर प्रदर्शित पार्ट को क्या कहा जाता है, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, डेटा लेबल या लेजेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताने आंसर क्या होगा जी आर्मी लवर जी। पूजा राघवत जी, स्पेशल क्लास 30 मिनट की हुई थी क्या, नहीं स्पेशल क्लास तो आई थिंक 1.5-2 घंटे की हुई थी, उस दिन मैंने 6 बजे से ली थी, 6 से 7, 7 से 8, भाई 1.5-2 घंटे की हुई थी, स्पेशल क्लास तो 30 मिनट की तो नहीं थी।
चलो ठीक है, उसके साथ पीडीएफ भी आपको अटैच मिल गई होगी। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? अभी पढ़ा है उसके बाद भी गलत कर रहे हो। क्या कहा जाता है उसको? डेटा लेबल कहा जाता है, लेबल लगाया जाता है उसको, डेटा लेबल कहा जाता है। चार्ट में जो टेक्स्ट डिस्प्ले होते हैं डेटा पॉइंट को इंडिकेट करने वाले, उनको डेटा लेबल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। ओके, दिख रहा है ना? चलो, अब आपने गणित में एक वर्ग में औसत अंकों की गणना करने के लिए एक स्प्रेडशीट का उपयोग किया है। औसत अंक खोजने के लिए कौन सा इनपुट आवश्यक होता है? यू हैव यूज अ स्प्रेडशीट टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास इन मैथमेटिक्स, विच इनपुट इज एसेंशियल टू फाइंड द एवरेज मार्क्स? विज्ञान में कक्षा के प्रत्येक छात्र का अंक, गणित में कक्षा के प्रत्येक छात्र का अंक, कक्षा के प्रत्येक छात्र के गणित में औसत अंक, या कक्षा के प्रत्येक छात्र का नाम और रोल नंबर। ये थोड़ा सा रह गया, ये ना, नेम एंड रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कक्षा में प्रत्येक छात्र का नाम और रोल नंबर। लगाइए थोड़ा सा दिमाग और आंसर बताइए। क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन देखोगे तो लगेगा कितना बड़ा है, कितना पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है, छोड़ दोगे। और जो चीज आप छोड़ोगे, जिनकी मेरिट आनी है वो वही कर जाएंगे, इसलिए कोई क्वेश्चन को छोड़ा मत करो। स्किप बेशक कर दो भले ही थोड़े टाइम के लिए, लेकिन दोबारा जब आओ तो उसको कंप्लीट कर दो। इस ये समझ के मत छोड़ो कि ये बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ूंगा ही नहीं, भाई क्या पता वो बहुत आसान निकल गया है ना। तो कुछ ऐसी बड़ी दिखने वाली चीजें बहुत आसान भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखो, मुझे औसत निकालना है, गणित में एवरेज निकालना है, और एवरेज हमेशा नंबरों का निकलता है, एवरेज का नहीं निकलेगा। भाई जब पहले से एवरेज निकाला हुआ है तो मैं एवरेज निकाल के क्या करूंगी? पहले से अगर औसत निकला हुआ है तो मैं औसत थोड़ी ना निकालूंगी। मुझे पहले उन सारे बच्चों के गणित में नंबर चाहिए, उन सारे नंबरों को जोड़कर टोटल कितने बच्चे हैं उससे डिवाइड कर दूंगी, तो औसत आ जाएगा कि मेरी क्लास में मैथ्स में कितने बच्चे पास हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, इसको करना है आपको, और ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। बाकी के एक दो क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लस एग्जाम्पल के ऑफिशियल ऐप पर भी मैं इसको अपलोड करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 21, ए चार्ट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, उस चार्ट को क्या कहा जाता है जो वैल्यू के बेस पर बनाए जाते हैं, मूल्यों के आधार पर जिन चार्ट को बनाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल, और कल चार्ट जितने भी चार्ट होते हैं एक्सेल के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और जो नए बच्चे आए हैं क्लास, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास सेम टाइम पर होती है, दोपहर 1 बजे होती है, और हमेशा होती है। रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन 2.0 का जो ये ऑफर चल रहा है 1499 में 70 से ज्यादा कोर्सेस, 100 से ज्यादा फैकल्टी, वो भी 1499 के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो अवेलेबल करवाई जा रही है, पीडीएफ मिलेगी, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, ताकि पता चल सके कि टोटल कितनी रैंक आ रही है, कितनी तैयारी हुई। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो उसको ले लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर 10 मई तक के लिए ही वैलिड है। क्लियर? चलो, तो इसी के साथ करते हैं क्लास को एंड। बिल्कुल इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। तो मिलते हैं कल अपने टाइम पर, ठीक 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से काढ़ा बनाइए, काढ़ा पीजिए, और घर वालों को भी पिलाइए। चलिए एंड करते हैं सेशन को। जय हिंद, जय भारत। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, परिवर्तन 2.0। मुलाकात होगी आप सबसे 70+ कोर्सेज के साथ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर।